गया अम्मी, निकल आई है, चांद दिख गया। हाँ हम देखा है, हम देखा है भाई, हम देखा है, निकल आई है। चांद दिखने के बाद अम्मी आ गई इतिकाफ से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी से सब लोग गले वले मिल के, और फिर अम्मी ये आ गई हैं हमेशा की तरह बैठ के बनवा रही हैं सेवई। तो सबसे पहले यहाँ पे शबनम भून रही हैं सेवई को, और अम्मी साथ में इसमें डाल रही हैं घी। इधर से एक तरफ घी निकाल रही हैं और एक तरफ डाल रही हैं, और यहाँ पर चीनी नाप के रख दिया है अम्मी ने। और साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि वीडियो जो है एडिट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ये मेवा फ्राई होकर रखा हुआ है, और ये साथ में जो है चीनी और दूध और खोवा सब डल गया है। इसको अभी भुना जाएगा, शीरा बनाया जाएगा, भुना नहीं जाएगा, शीरा बनाया जाएगा। और खोवा जो है ना भून के डाला जाता है, ये खोवा है, इसको भून कर तब फिर पहले कढ़ाई में अलग से भून लिया जाता है, उसके बाद जो है इसमें डाला जाता है शीरे में। तो हम कह रहे थे कि वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, और ये देखिए समय हो गई तैयार, बाकी वीडियो हम नहीं बना सके। और यहाँ पर लग रही है आइजल के मेहंदी, और चांद रात का वक्त है, तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, और ये मेहंदी लग रही है आइजल के, जो कि उनकी अम्मी लगा रही हैं, और उसके बाद लगेगी नाबिया के। और लगते ही साथ जो लगाओ और धो वाली रहती है ना, इंस्टेंट वाली, वो वाली ये मेहंदी है। और हमने कहा आइजल से पहले हाथ का दिखाओ फिर पैर का दिखाओ, तो वो पहले हाथ दिखा रही हैं फिर बैठ के पैर दिखा रही हैं कि मेरे ये सारी मेहंदियाँ जो है लग चुकी हैं। और छोटे छोटे हाथ पाँव पे तो मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके बाद ये फिर है नेक्स्ट डे, यानी ईद की सुबह है। और जब आयजा सोकर उठी है तो उन्होंने कहा कि अम्मी ये वाले तरफ खाली है, आप यहाँ पर जो है मेरा नाम लिख दीजिए। तो ये यहाँ पर उनका जो है ईद मुबारक लिखा गया। उसके बाद ये लग रही है आफिया की मेहंदी उनके पाँव में, और छोटे छोटे से नाखून में मेहंदी लग रही है, और साथ साथ जो है ये लेट के पी रही है अपना बॉटल। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं, एक तरफ कलेजी बना रही हैं और एक तरफ बना रही हैं भेजा। और जिस काम में अम्मी का हाथ लगा होता है, जो चीज़ अम्मी बनाती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मतलब आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये हमने यहाँ पर झोला पैक कर दिया है, झोला इसलिए पैक किया है नमाज के लिए। अब्बू लोग जाएंगे नमाज पढ़ने, तो चादर और जानमाज साथ में लेकर जाते हैं, और अब्बू मेरे हो गए मुबारक। हाँ शीशे में आ जा रही, ईद मुबारक हो, बोलो ईद मुबारक कहो। ठीक है भाई, ठीक। लाई रोटी गरम कर दें, मेरा दिमाग काम नहीं करता तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब कर रहे हैं। जब नहीं तो बना रहे हैं, और क्या पहुँचेगी। चलो हाँ बोलो, जा रहे हैं नमाज पढ़ने। और यहाँ पर भाई लोग और अब्बू सब लोग बैठकर नाश्ता करते हुए, क्योंकि अभी जाना है नमाज के लिए फटाफट जल्दी जल्दी। और सास को जो है हम रेडी कर रहे हैं, क्योंकि सायमा की तबीयत जो है ना वो अच्छी नहीं है, उसको बार बार उल्टी हो रही है और पेट में दर्द है और साथ में फीवर भी है। थोड़ा सा दवा खा के ज़रा सा आराम हुआ था, तो बच्चों की मेहंदी वेंदी लगाया था, और उसके बाद जो है फिर से तबीयत वैसी ही हो गई है। तो यहाँ पर हम अशास को रेडी कर रहे हैं कि जल्दी से ये हो। तभी की है वो, हाँ आयशा आ गई, गिर गया। पसंद है शास को ये, अच्छी यही लगती है मुझे। कबाड़ आ रहा, थोड़ा और पीछे हो अम्मी, पीछे से हट जाइए अम्मी, शीशे में से आप आ जाती हैं। भैया इधर, अरे सलामी कर लो भाई।
सलाम ही कर लो कम से कम, एक लोग तो फतवा दे दिन की जो ईद मुबारक नहीं कहा जाता। ईद मुबारक नहीं कहा, सलाम करके चलो, कहो ईद मुबारक, जोर से बोलो, जोर से, ये लो ईदी लो, हाँ लो ईदी ले लो। ओए बाप रे, बड़ी सी नोट इनको कहा था वहाँ दिन, मैं इनको 10 रुपया दिए होती। और यहाँ पर फिर सैमा को थोड़ा सा आराम हुआ है, तो सैमा जो है रेडी करने लगी हैं आइजल को, चूड़ी उड़ी पहना कर और चोटी उटी बांध कर। चोटी असल में हमसे बंध नहीं पाती और बहुत उलझती है, तो हमें उलझन होने लगती है। अभी तो फ़िलहाल सारी चीज़ पहन ले रही हैं इत्मीनान से, सुकून से। जैसे ही थोड़ी देर होगी, मतलब 5 मिनट गुजरेगा, पहले एक चीज़ उतरेगी, फिर दूसरी चीज़, फिर शाम होते हो शाम। मैं यहीं पर अपनी बात को कर, बोलते हाजरी हजरत मौलाना आफाक साहब आपको खिताब कर रहे थे, क्योंकि हजरत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं और 8 बजकर तकरीबन 10 मिनट ऊपर हो चुका है, मौलाना आपको खिताब कर रहे हैं। आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो तहसील जा रहे हैं वो आगे जो है तहसील आगे की सबको पूरी कर ले, अभी दोनों तरफ बहुत जगह खाली है, आप लोग आगे तहसील से आगे, और आप लोग जो है अपने जो शिक्षक कर रहे हैं आप मेरे लिए आप लोग हमारे पास है और लोग गुलाब बटता रहेगा साबित पानी भरा रखे रहते पता तो बहुत भरा और अब्बू लोग सब लोग सारे लोग गए थे ईदगाह, और ईदगाह में नमाज के बाद जो है यहाँ पर ईद मिलते हुए सभी से, और बहुत ही अच्छा लगता है सारे लोग जो है ईद मिलते हैं एक दूसरे से। तो हमने कहा था अब्दुल्ला से कि तुम ज़रूर से वीडियो बना कर ले आना, क्योंकि हम आप लोगों के साथ भी इसको इस मोमेंट को जो है शेयर करना चाहते थे, क्योंकि ये एक यादगार मोमेंट होता है और सबसे अच्छी जगह होती है यूट्यूब पर सेव करने की, कि यूट्यूब पर इंसान सेव कर ले। और मेरे अब्बू हमेशा की तरह इमोशनल होते हुए बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बच्चों को गले लगाते लगाते उनके आँख से आंसू निकलने लगते हैं, उनको अपने सारे याद आने लगते हैं। और ये है मेरा प्यारा सा बेटा जो कि सबसे गले मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखकर। और ये हम हो गए हैं रेडी, और मोबाइल तो आपको लोगों को पता ही है टूट चुका था, तो जिसका मोबाइल हाथ लगा, पहले अम्मी का मोबाइल हाथ लगा था तो अम्मी के मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, फिर ये जोया का मोबाइल हाथ लगा तो जोया के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस रिकॉर्डिंग में कुछ लोगों की वीडियो आ पा रही है और कुछ लोगों की वीडियो नहीं आ पा रही है, जैसे कि अल्लू बीच में स्किप हो गई हैं, जोया स्किप हो गई हैं, और साथ में औरहान भी स्किप हो गए हैं। स्किप इसलिए हो गए हैं कि एक तो वीडियो बनी तो वो आ नहीं पाई गैलरी में, और गैलरी में आई जिसकी जिसकी वीडियो आई है उसकी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं। पहले तो हम थे, फिर सायमा है, और ये है आलिया है अलीशा की भाई की बेटी, सबसे छोटी वाली, प्यारी सी और बिल्कुल डॉल जैसी है, बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत सी है, माशाल्लाह नज़र ना लगे इसको। और ये है मुस्कान, आलिया की सबसे बड़ी बहन, और आई हैं ईद मिलने, और साथ में आई हैं हानू, इनका नाम है हानिया।
और ये मेरी हैं आफिया, इनकी वीडियो इनकी अम्मी के मोबाइल से बनी है और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बनी। असल में वीडियो बनते बनते जो है ना फ़ोटो शूट हो रहा था, इसलिए काफ़ी लंबी सी और अच्छी सी प्यारी सी लगी और बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी। और इन सारी चीज़ों के बीच जब वो डॉल जैसी लग रही थी और आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने माशाल्लाह कमेंट में नहीं लिखा और मेरी बच्ची हो गई है, नज़र लग गई है मेरी बच्ची को और काफ़ी तेज़ फीवर हो गया, 102 फीवर हो गया और बहुत परेशान हुई रात भर, बहुत परेशान हुई। अब अल्लाह का शुक्र है अभी इस वक्त तो बेहतर है, अल्लाह का रहम है करम है। बस आप लोग माशाल्लाह ज़रूर से कमेंट में लिखा करिए, बच्चों को देखकर तो ज़रूर से माशाल्लाह कहा करिए और कमेंट में लिख देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो हम यहीं पर सोच रहे हैं कर लेते हैं एंड ब्लॉग को, क्योंकि और वीडियो खुल नहीं सकी है। फिर आप लोगों से जब और वीडियो इंशाल्लाह मेरी मिल जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर है फरा पिंक वाले में और ब्लैक वाले में है अलीशा, तो जोया, अल्लू और ओरहान की इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।